प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, ये वर्कशीट बिल्कुल पुरानी वाली ही रिपीट हो रही है, तो पुरानी वाली हमारे चैनल पे अपलोड है। अगर आपको जल्दी जल्दी सारी वर्कशीट्स निपटानी है तो आप अकॉर्डिंगली सर्च करके कर सकते हैं, लेकिन आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से मैं आप लोगों को दोबारा से ये वर्कशीट्स बना के सेंड कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहे तो टाइम टू टाइम न्यू वर्कशीट से भी कर सकते हैं, और अगर आपको जल्दी करना है तो आप हमारी पुरानी वाली वर्कशीट्स की भी मदद ले सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज आपकी साइंस और एसएसटी की दो वर्कशीट्स आई हैं, दोनों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में आई हैं, तो मैंने चारों वर्कशीट्स अपलोड कर दी हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो वर्कशीट चाहिए हो आप अपनी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वो वर्कशीट्स ले सकते हैं। चलिए, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे। एसएसटी की वर्कशीट है, इसी की साइंस की जो आई थी वो अपलोड की जा चुकी है। क्लास लिख लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 2 है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। इन वर्कशीट नंबर 1 यानी पिछली वर्कशीट में, जो वर्कशीट नंबर 1 थी, वी हैव लर्न, हमने पढ़ा दैट एनीथिंग दैट हैज सम यूनिटी और यूजेबिलिटी इस कॉल्ड रिसोर्सेज, यानी जो इसकी कोई वैल्यू हो या वो काम में आए उसको हम क्या कहेंगे, रिसोर्सेज कहेंगे। दिस यूजबिलिटी मे और मे नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू, और जो इसका मतलब यूज़ करने का है उसकी कभी कदार पैसे की वैल्यू हो भी सकती है और कभी कदार उसकी पैसे की वैल्यू नहीं भी हो सकती है, यानी कभी कदार वो कीमती भी होता है और कभी कदार वो हमें फ्री में भी मिल जाता है। लाइक अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, यानी कि जो भू दृश्य होता है, सीनरी जिसे हम बोलते हैं, डज नॉट हैव एनी इकोनॉमिक वैल्यू, लेकिन उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। बट लेकिन ऑन द अदर हैंड मटेरियल और फॉसिल फॉइल हैव इकोनॉमिक वैल्यू, बट बोथ आर इक्वल इम्पॉर्टेंस रिसोर्सेज, यानी कि एक सीनरी जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन दोनों चीज़ें और एक वो जो फॉसिल फॉइल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, लेकिन दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर हम भू दृश्य को देखते हैं या भू सीनरी को देखते हैं, ग्रीनरी को देखते हैं, तो हमें अच्छा लगता है ना, तो वो भी हमारे लिए वैल्यूएबल है, जबकि वो तो हमें फ्री में मिल रहा है। नाउ द क्वेश्चन, अब चलिए क्वेश्चन उठते हैं। अराइज माने होता है उठना। अब कुछ क्वेश्चन उठते हैं। क्या क्वेश्चन है? आर ऑल द रिसोर्सेज दैट वी हैव ट्रैप्ड इट इन प्रीवियस वर्कशीट कम फ्रॉम द सेम सोर्सेज, यानी जो भी हमने पिछली वर्कशीट में सोर्सेज के बारे में पढ़ा, तो क्या वो सारे एक ही उससे आते हैं? ठीक है, और दे कम फॉर डिफरेंट सोर्सेज, या डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं, तो आप इसको लिखेंगे डिफरेंट सोर्सेज, वो डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं। लेट डू सम एक्टिविटीज, चलिए कुछ हम एक्टिविटी को करते हैं। नंबर 1 क्या है? हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम सब्सटेंस, यानी आपको नीचे कुछ सब्सटेंस की लिस्ट दी गई है, लाइक सॉइल, टॉय, व्हीकल, फॉरेस्ट, ब्रिज, रेल, है ना, मिनरल्स, रिवर्स, माउंटेंस, रोड, बिल्डिंग, कोल, फर्नीचर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, सनलाइट, विंड एक्सेट्रा। इतनी चीज़ें आपको दी गई हैं। अब आपको यहाँ ऑप्टेन करना है कि कौन मेन मेड है और कौन नेचुरल ऑप्टेंड है। ठीक है, यू कैन एड इट पैलेटी ऑफ थिंग्स अ पार्ट ऑफ दिस, और इसी टाइप की कुछ चीज़ें आप अपने तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं करी है, मैंने सिर्फ ऊपर जो दिए गए हैं इन्हीं को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, तो आप लोग भी लिख लेंगे। मैनमेड किसे कहा जाता है? देखिए, मैनमेड उन चीज़ों को कहा जाता है जो इंसानों ने इंसानों के लिए बनाई हैं। ठीक है, और नेचुरल किसे कहा जाता है? जो गॉड गिफ्टेड है, जो गॉड ने इंसानों को अपनी तरफ से गिफ्ट की हैं। ठीक है, नाउ यू कैन अरेंज दिस, एंड अब ये देखिए हमने अरेंज तो कर ही दिया है, एंड अदर सब्सटेंस अराउंड इन यू इन टू ग्रुप्स बेसिस ऑन फ्रॉम वेयर दे आर ऑब्टेंड। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला कि अगर आपके पास और कोई भी ऐसे हैं जो आपको इर्द गिर्द दिख रहे हैं, तो आप उसकी भी लिस्ट बना सकते हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड वी नोटिस अबाउट द फर्स्ट द सब्सटेंस वी राइट इन फर्स्ट कॉलम टेबल, यानी फर्स्ट कॉलम टेबल में जो हमने सब्सटेंस के बारे में लिखा है उसके कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर दे यूजफुल टू अस? यस। क्या ये हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए काम करने के लायक है? यस। वॉट इज द कॉमन इन ऑल द सब्सटेंस, यानी ऊपर के जो सब्सटेंसेस में क्या कॉमन है? इसमें कॉमन ये है कि ये हमें गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, वॉट कैन बी कंसिडर्ड, अब देखते हैं आगे क्या करना है हमें। अब यहाँ बोला सम सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल एंड आर यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस है, यानी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें गॉड की तरफ से दी गई हैं और हम उसमें बिना कोई चेंजेस किए उसे यूज़ कर लेते हैं।
ठीक है, सच सच सब्सटेंस आर कॉल्ड, अब इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, तो हम इसे कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, तो आप इस पर लिख लेंगे। अब इसके बाद इन्होंने बोला नाउ आर ऑल द नेचुरल सब्सटेंस, चलिए फाइंड आउट करते हैं कि क्या सारे नेचुरल सब्सटेंस जो है वो एक से होते हैं। वैसे तो आप यहाँ पे साथ के साथ लिख देंगे नो, एक से नहीं होते हैं, ठीक है। क्लासीफाई द नेचुरल सब्सटेंस इंटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज, यानी जो नेचुरल सब्सटेंस है उनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक वो जो रिन्यूएबल हैं, दूसरे वो जो नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है, रिन्यूएबल का मतलब ये है कि चाहे हम उसे मतलब लिमिटेड चाहे कितना भी इस्तेमाल कर लें सही इस्तेमाल के लिए, वो ख़त्म नहीं होते, वो दोबारा से आ जाता है। लेकिन और नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो हम इस्तेमाल करें वापस भी आए, लेकिन उसको वापस से रिन्यू होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे आप गेम खेलते हैं, है ना, आपको लाइफ वगैरह मिलती है, वो रिन्यू होती रहती है इस तरह से, तो उसी की तरह से बात है। अब कभी कभार क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको गेम में ऐसी मिलती हैं जो आपने यूज़ करी और वो रिन्यू हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलती हैं जो आपने यूज़ करी तो उसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, उसके बाद वो रिन्यू होती है ना। सेम यही चीज़ यहाँ पर है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन वी कैन से, ऊपर के ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद अब हम बताते हैं कि हमने क्या देखा और क्या ऑब्जर्व किया। नंबर वन, हमने ये ऑब्जर्व किया दे आर सम नेचुरल सब्सटेंस विच आर फाउंड अबंडेंटली इन नेचुरल एंड गेट रिन्यूड क्विकली आर कॉल्ड द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी वो सब्सटेंस जो हमें नेचुरल के द्वारा दिए गए हैं, कुदरत के द्वारा दिए गए हैं और वो हाथ के हाथ रिन्यू भी हो जाते हैं, उसको हम रिन्यूएबल सब्सटेंस कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। वेल सम अदर नेचुरल सब्सटेंस आर लिमिटेड इन स्टॉक, और कुछ ऐसे हैं जो लिमिटेड हैं स्टॉक में, आर एक्चुअल्स एंड दे हैव दे टेक पेनल्टी ऑफ इयर्स टू गेट रिन्यूज, यानी कि उन्होंने बोला और कुछ ऐसे हैं जिनको रिन्यू होने के लिए बहुत ज़्यादा सालों का टाइम लग जाता है। सर सब्सटेंस आर कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग ने पूरा पढ़ लिया। यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन और कर दिया गया कि जो भी चीज़ें रिसोर्सेज हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, कुछ एग्जांपल दीजिए। तो आप यहाँ से सिंपल सा यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर लिख देंगे, ये होगा आपका नेचुरल रिसोर्सेज, और ये ऊपर वाले जो आपके हैं ये एग्जाम्पल आप दे देंगे, ये रहे, ये सारे एग्जाम्पल आपके नेचुरल रिसोर्सेज के हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद एग्जाम्पल, तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख लेंगे, आपको क्या नाम है ये यहाँ तक, ठीक है। तो आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों मिल गए। अब एग्जाम्पल के लिए आप ये यहाँ से नोट कर लेंगे, ये आपके एग्जाम्पल हो गए दोनों के, ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्लासीफाई द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज इज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में डिवाइड करना है, तो देखिए कोयला क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, बहुत टाइम लेता है। फॉरेस्ट नॉन रिन्यूएबल है, बहुत टाइम लगता है बढ़ने में, ठीक है। आयरन के वैसे फॉरेस्ट जो है वो रिन्यूएबल भी है, बढ़ भी जाता है, ठीक है। आयरन नॉन रिन्यूएबल है, वाटर रिन्यूएबल है, सनलाइट रिन्यूएबल है, पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल है और विंड रिन्यूएबल है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसे लिख लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपको लास्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फोर, राइट एन इंजरी शॉर्ट स्टोरी। अब आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है, किसके ऊपर लिखनी है, लाइफ आफ्टर ऑल द स्वीट्स वाटर सोर्सेज गेट एक्सचेंज फ्रॉम अर्थ, जब पीने का पानी जो है वो पृथ्वी पर से ख़त्म हो जाएगा तब यहाँ की ज़िंदगी कैसी होगी, ठीक। तो इसको आप लोग अपनी तरफ से लिखेंगे और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिहाज से, फिर भी एक बार लिखने की कोशिश करेंगे। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही, अगर आपको कोई वर्कशीट पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।